आपका। अभी मैं भी काम हो। जी स्क्रीन शेयर होगी आपके पास? अच्छा, ये देखिए मैंने एक स्लाइड आपने खोली हुई है, इसमें लिखो सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है? तो इसमें साथ इसने लिखा हुआ है द डिस्क मेथड, ठीक है? अच्छा, ये बताएं कि ये जो आपके पास एक फिगर बनी हुई है 6.a, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट, ठीक है? तो इसका अगर आपने जो है वो एरिया कैलकुलेट करना हो, ठीक है, तो इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? पाई आर स्क्वायर। चलें इसको मैं ऐसे आपको बताता हूँ, ये जो आपके पास एक बेसिकली कर्व के अंदर एरिया आ रहा है, सर आपने स्क्रीन शेयर कर दिया? जी। एक्सक्यूज मी सर, वो बाहर लॉबी में कुछ लड़के मैसेज कर रहे हैं भाई, वो अभी भी लॉबी में आज भी हैं कुछ। वन सेकंड, मेरे पास तो लॉबी में कोई नहीं आ रहे सर। ये इधर शरियार का मैसेज है सेक्शन ए का, जो सी आ रहा है वो कह रहा है मैं ऐड नहीं हो रहा। नहीं, लॉबी में है अभी सर, उसके पास वो यही मैसेज जा रहा है, समवन लेट यू इन द मीटिंग। अब सर नहीं पता सर, वो दूसरी मीटिंग में ना वेट करो। तो दो मीटिंग स्टार्ट है आज, जो मीटिंग स्पेशल की है ना वो उसको देखें ना, उस पे आए ना, आपने एंटर हो ना 7 दिसंबर वाली पे हो यार। ठीक है सर, मैं आपको कहता हूं, ठीक है बता दें। स्क्रीन शो नहीं हो रहा सर मुझे यार, मैं देखता हूँ एक मिनट। अब मैंने दोबारा शेयर की है। यस सर, हो रही है। अच्छा देखें, ये जो एरिया है बेसिकली एक कर्व के अंडर जो एरिया आ रहा है लाइन का, ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है और 0 से लेके 4 तक इसने ड्रा किया हुआ है फिगर 6.8a, ठीक है? अगर मैं इस एरिया को एक 360 पूरा रिवॉल्व करवाऊँ एक्स एक्सिस के अराउंड, तो आपके पास क्या चीज़ बनेगी? एक सॉलिड लाइक बॉडी बनेगी जो कि फिगर में, ठीक है? आपको ये समझ आ रही है ये क्या चीज में कह रहा हूँ सर? ये दूसरों का माइक ऑन है सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। अब जिसने बात करनी है तो अपना माइक ओपन करेगा। अच्छा ये मैं कह रहा हूँ कि अगर आप जो है इस ये जो रीजन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ब्लू लाइन, इसको अगर आप पूरा 360 एंगल पे ऐसे एक्स एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करवाएं, तो ये आपके पास जो है एक सॉलिड लाइक रीजन बनेगा, सॉलिड लाइक, ठीक है? इस सॉलिड लाइक रीजन का आपने क्या करना है, बेसिकली वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। अगर सॉलिड लाइक चीज़ें होती तो सारी बातें मैंने पहले बताया आपको कि उनके हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं या सरफेस एरिया, ठीक है? थ्री डायमेंशनल जो ज्योमेट्रीज होती हैं और टू डायमेंशनल ज्योमेट्रीज होती हैं, जैसे ये ऊपर वाली फिगर ए है, तो इस केस में जो है एरिया कैलकुलेट हम करेंगे, ठीक है? अच्छा देखिए, इसका वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, को आपके जहन में टेक्निक है?
इसको वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ये जो 6.8 फिगर है बी, सर पाई आर क्यूब? नहीं नहीं, वो तो वॉल्यूम तो एक वो पाई आर क्यूब बेसिकली होता है आपके पास अगर स्फेयर है, ये स्फेरिकल शेप तो नहीं है ना, ये तो एक बार आपके पास एक कोन टाइप चीज बन रही है, ठीक है, वो तो एक रेगुलर ज्योमेट्री है तो उसमें आप बता सकते हैं, वहाँ तो रेडियस सेम होता है, यहाँ पे तो इसका रेडियस सेम नहीं है। सर इसका पहले एरिया मालूम करेंगे। अच्छा देखें, इसका कॉन्सेप्ट वही है कि अगर मैं ये जो सॉलिड लाइक रीजन है इसके मैं स्लाइस बना दूं, ठीक है, आप इसके इतने ज़्यादा स्लाइस बनाएं कि ये जस्ट लाइक वही आइडिया है जिस तरह आपने रीमान सम कैलकुलेट किया था कि आपने पहले वो उसके अंदर रेक्टेंगल बनाई थी, फिर उन रेक्टेंगल्स के एरिया आपने कैलकुलेट किया था, फिर उसमें क्या था कि उसको एग्जैक्ट करने के लिए, एग्जैक्ट एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमने उसके ऊपर एक लिमिट लगाई थी कि ये जो बेसिकली हर रेक्टेंगल है इसका अगर ये विड्थ है ये बहुत स्मॉल हो जाए, कि जिसमें हमने कहा था कि डेल्टा एक्स ऑलमोस्ट अप्रोचेस टू जीरो, तो फिर वो जो है हमारे पास एग्जैक्ट एरिया आता है। सेम इज़ द केस ओवर हियर कि अगर आप जो है इस पूरा ये जो सॉलिड एक रीजन है इसके बिल्कुल स्मॉल स्मॉल आप जो है स्लाइस बना दें, ठीक है, और स्लाइस की जो थिकनेस है वो ऑलमोस्ट अप्रोचेस टू ज़ीरो है। अगर मैं हर स्लाइस का एरिया कैलकुलेट करूं, ठीक है, तो उन सारे एरियाज को मैं अगर सम अप कर दूं तो क्या मेरे पास इस सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा? यस सर आ जाएगा। यस सर सर आ जाएगा। अच्छा अब कि सर रिपीट कर दो इस बात को काइंडली। मैं कह रहा हूं कि अगर ये जो सॉलिड है इस सॉलिड को मैं अगर छोटे छोटे स्लाइस में डिवाइड कर दूं, ठीक है, और हर स्लाइस की थिकनेस जो है वो बहुत स्मॉल है ऑलमोस्ट अप्रोचेस टू जीरो, तो वो बेसिकली एक टू डायमेंशनल जो है वो शेप बन जाएगी, ठीक है। तो अगर इस सारी जो स्लाइस हैं इनका मैं एरिया कैलकुलेट करूँ और उस एरिया को मैं सम अप कर दूँ तो क्या मेरे पास जो है इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा? आ जाएगा सर, ठीक है, क्योंकि हर एक स्लाइस एक दूसरे के साथ बिल्कुल एडजस्टेंट है, ठीक है, तो हर एडजस्टेंट एरिया को सम अप होता जाएगा तो पूरा वो जो है आपके पास इस सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। अब इतने ज़्यादा जो है वो लेट से मैं एक आर्बिट्रेरी इसमें से जो है वो स्लाइस करता हूँ, ये अगर आप एक स्लाइस करेंगे इसको देखेंगे तो ये एक डिस्क टाइप चीज़ बनती है, ये अगर आपको जो रेड कलर की एक जो है एक स्लाइस नज़र आ रहा है राउंड शेप में, इसको हम कहते हैं डिस्क है, ठीक है, तो इसके अंदर एक्चुअली ये जो सॉलिड है इसको मैं नंबर ऑफ डिस्क में जो है क्या कर रहा हूँ डिवाइड कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि एक डिस्क का जो है वो मैं क्या करूँगा एरिया फाइंड आउट करूँगा और उस एरिया को मैं जो है वो इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे पास सम अप हो जाए। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है बेसिकली जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके पीछे क्या है वो सम है बेसिकली, क्या है एरिया। डेफिनेट इंटीग्रल जो है आपके पास सम ऑफ इनफाइनाइट मेनी रेक्टेंगल्स हैं, ऐसा ही है ना, तो ये भी बेसिकली जो है वो एक्चुअली उस सम को फिर हमने क्या किस फॉर्म में लिख दिया था इंटीग्रल फॉर्म में, जब नंबर ऑफ आपके पास जो है वो रेक्टेंगल्स जो है वो इनफाइनाइट में नहीं हो गए थे तो इस सम को बेसिकली हमने जो है एक्सप्रेस कर दिया था डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म में। तो इसका मतलब है कि जब भी इनडेफिनेट इंटीग्रल होगा तो इसका मतलब है कि ये सम हो रहा है एक्चुअली ए से बी तक जो भी जो है वो ज्योमेट्री है और अंदर उसकी एरिया है, तो इसका मतलब है कि ये एरिया जो है बेसिकली इंटीग्रेट हो रहा है या एरिया सम अप हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जो है वो वॉल्यूम मिल रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि इतनी ज़्यादा यहाँ पे डिस्क हैं, ठीक है, तो ये उनको सम अप जो है वो करना क्या पॉसिबल है? ठीक है, तो एरिया का क्या फार्मूला है बेसिकली? पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज देखें कि रेडियस कांस्टेंट नहीं है, मैं अगर ये डिस्क ले लूं तो इसका रेडियस और है, अगर मैं जूं जूं ओरिजिन की तरफ मूव करूंगा तो जो डिस्क है उसका रेडियस क्या होता जाएगा? लेस होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। नहीं, एक्सिस अगर मैं ओरिजिन की तरफ मूव करूंगा तो आपके पास डिस्क जो है वो स्मॉल बनेगी और उसका रेडियस कम होता जाएगा, और जो जो मैं अवे फ्रॉम दी ओरिजिन मूव करूंगा तो मेरे पास नंबर डिस्क का जो रेडियस है वो क्या होता जाएगा? ग्रेटर होता जाएगा। अब किसी भी पॉइंट पे
रेडियस जो है ये क्या है एक्चुअली आपके पास? कांस्टेंट नहीं है सर, रेडियस कांस्टेंट नहीं है सर, वाइड। हां रेडियस एक्चुअली आपके पास वाइड डिस्टेंस है, आप देख लें कहीं भी कि रेडियस आपके पास क्या एक्चुअली वाइड डिस्टेंस है, ठीक है? मतलब ओरिजिन से लेके एक्स एक्सिस से लेके जो ब्लू कर्व है इस तक जो डिस्टेंस है ये एक्चुअली आपके पास क्या है, रेडियस है, और ये एक्चुअली वाई के इक्वल है। तो किसी भी पॉइंट पे आप जो है वो आपने एक ऑर्बिटरी डिस्क लेनी है और इसको बेसिकली आपने इंटीग्रेट करना है, तो ये सारा आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस पॉइंट पे आपके पास हमने कोई भी ऑर्बिटरी डिस्क ले लिए तो, और सपोज किया है कि वो एक्स पॉइंट पे है, तो एक्स पॉइंट पे आपके पास वाई वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स अंडर रूट ही आएगा ना, अंडर रूट एक्स ही आएगा ना। यस सर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भी डिस्क है उसकी रेडियस क्या है मेरे पास, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स। तो आप जो है इस फार्मूले में पुट करेंगे एरिया ए ऑफ एक्स, एरिया जो है वो कांस्टेंट नहीं है, फंक्शन ऑफ एक्स है, बिकॉज जो है वो रेडियस जो है वो वेरिएबल है, आप जो जो एक्सिस के ऊपर मूव करेंगे। तो ये अगर बॉक्स के अंदर जो फार्मूला लिखा हुआ है वॉल्यूम जो डिस्क मेथड से कैलकुलेट करने का, वो ये है ए टू बी ए ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी पाई आर ऑफ एक्स होल स्क्वायर। अब यहाँ पर रेडियस कांस्टेंट नहीं है तो उसने आर ऑफ एक्स लिखा हुआ है, और रेडियस एक्चुअली वाई वैल्यू होती है आपके पास। तो ये सही, आर ऑफ एक्स की जगह हम अंडर रूट एक्स लिखेंगे। जी जी अंडर रूट एक्स ही लिखेंगे। नीचे एग्जाम्पल देखें ना जरा, एग्जाम्पल नंबर फोर है, द रीजन बिटवीन द कर्व वाई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट और एक्स वेरी करता है 0 to 4 and the x-axis is revolved about the x-axis to generate a solid, find its volume. ये वही बात कर रहा है, फिगर ए पे आ जाएं 6.8 के 0 से लेके 4 तक, और अंडर रूट एक्स जो कर्व है और आपके पास जो है वो x-axis, ठीक है, इस रीजन को आप जो है रिवॉल्व करवा रहे हैं किस एक्सिस के अराउंड, x एक्सिस के अराउंड। तो रिवॉल्व करवाने, हां रिवॉल्व करवाने से नजर नहीं आ रही है, वो ऊपर है सर। ये अंडर रूट एक्स कैसे आया ये समझा दें। अंडर रूट एक्स तो क्वेश्चन में गिवन है, ये तो कर्व की इक्वेशन है ना, जो ऊपर जो फिगर 6.a में बेसिकली जो स्केच उसने ग्राफ किया हुआ है, ठीक है। और ये y वैल्यू एक्चुअली, तो y वर्टिकल डिस्टेंस होता है और y वेरी कर रहा है एक्चुअली, तो इसका मतलब है कि ये आपका रेडियस बन जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि ये इस फार्मूले में पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो ये इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा आपके पास, 8π। बात समझ आ गई है मेरी? सर ये 366 पेज पे ही है सर, ये पेज आगे पीछे नहीं हो रहा। मैं तो उसी पेज पे हूँ, मैं अभी आगे नहीं हो जा रहा ना। ओके सर, थैंक यू सर। सही अच्छा, जो डेफिनेट इंटीग्रल्स की लिमिट है ये 3 से 4 तक, ये कैसे आई है 0 से लेके 4 तक? वही सर, 0 से 4 तक। ये क्वेश्चन में गिवन था कि 0 से लेके 4 तक, ये तो उसने क्वेश्चन में गिवन है कि 0 से लेके 4 तक, ये इस, ये बेसिकली अगर आप ग्राफ देखें 6.a, तो 0 से लेके 4 तक उसने कर्व ड्रा की हुई है, तो 0 से लेके 4 तक जो एरिया बनता है ना उस एरिया को वो रिवॉल्व कर रहा है। यस सर, आगे समझ। वो 0 से लेके 3 तक कहता है, तो हम 0 से लेके 3 तक कर्व को ड्रा करते हैं और फिर लिमिट 0 से 3 हो जाती है, उस एरिया को हम रिवॉल्व करते हैं, ये जो वो कह रहा है, ठीक है। अच्छा अब आगे देखें, एग्जांपल नंबर 5 है, कहता है द सर्कल, ये सर्कल की इक्वेशन है x² + a² + y² = a² इज रोटेटेड अबाउट x एक्सिस टू जनरेट ए स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। यू कैन इमेजिन कि आप सर्कल को अगर आप एक्स एक्सिस के अराउंड 360 का पूरा चक्कर दें तो क्या बनेगा आपके पास, स्फीयर टाइप चीज बनेगी। नहीं समझ आ रही सर, रिपीट कर देंगे सर, स्फीयर बनेगी सर। मैं कह रहा हूँ कि अगर सर्कल है आपके पास और उसका बेसिकली रेडियस ओरिजिन पे, सर्कल को आप पूरा रोटेट करवाएं, सर्कल को रोटेट करवाएं तो वो पूरा 360, जिस तरह ये ऊपर वाली फिगर आपने रोटेट करवाई थी एक्स एक्सिस के साथ पूरे, तो वो आपके पास सॉलिड लाइट चीज बनी थी। इसी तरह अगर आप सर्कल को रोटेट कराएं एक्स एक्सिस के अराउंड, तो आपके पास क्या बनेगा, स्फीयर।
तो आपने जो है बेसिकली स्फीयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. अच्छा रेडियस आप कैसे निकालेंगे? वाई वैल्यू एक्चुअली रेडियस को रोल प्ले करती है ना. तो अब जो है वो यहाँ से मैं वाई वैल्यू निकालूंगा जी. सर्कल में तो एक्स की वैल्यू भी रेडियस हो सकती है. हाँ जी एक्स की वैल्यू भी रेडियस हो सकती है. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अब आप जो है इसको एक्स एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करवाएं तो चूंकि ये यूनिफॉर्म है तो आप जो है इसको अगर आप जो है एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो फिर आपके पास मैं एक मिनट उस चीज़ को भी आपको बताता हूँ. पहले मैं ये एग्जाम्पल आपको समझा लूँ जो आप सेकेंड चीज़ में से पता कर. ये देखें आपके पास एरिया डिपेंडिंग अपॉन एक्स तो एरिया पाए आर ऑफ एक्स होल स्क्वायर है या तो आर यहाँ पे आपके पास वाई वैल्यू का रोल प्ले करता है तो वाई वैल्यू आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगी. ठीक है अब ये लिमिट कैसे आई है माइनस ए से लेके ए तक? अगर आप जो है वाई को जीरो पुट करें तो एक्स की लिमिट आ जाएंगी. एक्स की लिमिट क्या बनेगी? यहाँ पे रेडियस ए था तो 4/3 π a³ आ जाएगा. मेरी बात समझ आ रही सर? सर ये प्लस माइनस ए किस तरह एक मिनट मैं व्हाइट बोर्ड पे आप जरा करवा दें. मैं व्हाइट बोर्ड ठीक है.